नमस्कार भारत, जय श्री राम। बात करेंगे ये जो फेक ओपिनियन पोल न्यूज चैनल्स पे दिखाए जाते हैं, क्या ये कभी जाते भी हैं बंगाल के उन इलाकों में जहां पे भयंकर भूखमरी है, बेरोजगारी है, खेती के नाम पे, अनाज के नाम पे कुछ उपजता नहीं। अभी हाल में ही ऑफ इंडिया छोड़ करके डू पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले अजीत भारती एक ऐसे ही इलाके में गए। उस वीडियो का लिंक मैंने अपने कम्युनिटी टैब में शेयर भी किया है। चूंकि अभी डीओ पॉलिटिक्स के सब्सक्राइबर कम है और वो पेड प्रमोशन ही होता होगा तो ज्यादा लोगों तक रीच नहीं है, मगर पत्रकारिता के स्तर को यह बताता है कि एक युवा और नई पीढ़ी के लोग असल पत्रकारिता करते हैं। गांव के ऐसे इलाकों में जाते हैं, बंगाल के ऐसे ऐसे इंटीरियर इलाकों में जा रहे हैं जहां पे मूलभूत सुख सुविधाएं नहीं है। आप स्कूल और हॉस्पिटल की बात मत कीजिए, वो तो नहीं है। मैं बोल रहा हूं खाने को अनाज और पीने को पानी, ये उससे भी बड़ी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि वेस्ट बंगाल में उन इलाकों में नहीं है। बंगाल सरकार ने कोई काम नहीं किया है। तो सवाल यह है कि जब वेस्ट बंगाल के बारे में आप ओपिनियन पोल न्यूज चैनल्स पे देखते हैं तो क्या वो इन इलाकों में गए हैं, और अगर जाते तो क्या यह संभव है कि उन इलाकों में कोई ममता बनर्जी सरकार की तारीफ कर दे कि हां कुछ काम हुआ है। क्योंकि जो मूलभूत सुविधाओं की कमी दिखती है, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, आप स्कूल हॉस्पिटल की तो परिकल्पना ही नहीं कर सकते, उनसे जब आप सवाल पूछते तो आपको असल में पता चलेगा कि ये ओपिनियन पोल जो आप दिखा रहे हैं ये बस उन इलाकों के हैं जहां पे टीएमसी के वोटर वोकल है। इन हर एक ओपिनियन पोल, चाहे आप आज तक का देखें, एबीपी का देखें या कल जो भारतवर्ष का आया है, इन हर एक ओपिनियन पोल में एक चीज आपको कॉमन दिखती है, कहते 10-15% की आबादी जो है वो अभी अनडिसाइडेड है, वो बात करने को तैयार नहीं है, कैमरे पे वोकल नहीं है। तो फिर कैसे ओपिनियन पोल हो रहा है ये समझना पड़ेगा ना। जब मैं अजीत भारती की ये रिपोर्ट जमीनी हकीकत देख रहा था तो यकीन मानिए मेरे आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि मैं भी बंगाल गया था 3 दिनों के लिए, मगर मैं उन इलाकों में मैं नहीं जा पाया था, सीमित रिसोर्सेस हैं। आप जानते हैं अभिषेक तिवारी शो एक अलग तरह से फंक्शन करता है, अकेले हूं। तो जब मैं एपिसोड देख रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच रहा था एक स्टेट जहां पे भयंकर भुखमरी, या यूं कहे कि ये लोग जो है नर्क की जिंदगी जीते जी धरती पे जी रहे हैं, जहां भगवान, खुदा, ये सारी चीजें जो है वो किताबों में रह जाती हैं या सुनी सुनाई बातें रह जाती हैं, और यहां पे जीवन और मरण के बीच में अपने जीवन को चलाने के जो मूलभूत संसाधन है उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो याद आता है कि गीता में इसी कर्म के बारे में बात की गई थी, मगर वो कर्म शायद टीएमसी सरकार के लिए सही बात नहीं रहे। क्योंकि अगर टीएमसी सरकार टीवी चैनलों पे बड़ी बड़ी बातें करती है, द वायर हो, एनडीटीवी हो, या ये जो लिबरल सेकुलर मीडिया है, जब ये भुखमरी, बेरोजगारी की बात करती है और कहती है कि हम सत्ता से सवाल पूछेंगे, तो मुझे यकीन होता है कि शायद पूछ ले, मगर आरफा खानम शेरवानी किस मुंह से कहती है कि टीएमसी को वोट दो। यानी वो चाहती है कि ऐसे लोग जो अजीत भारती के सामने आए वो नरक का जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाए, वो उसी तरह से जीवन जिए जहां उनके पास पानी पीने को ना हो। ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और फिर किस प्रकार की विकास, मुझे लगा ये एपिसोड देखते देखते कि यार भारत में बिहार और यूपी के लोग तो कहीं ज्यादा अमीर हैं ऐसे लोगों से। ऐसे में ये ओपिनियन पोल कहना कि भाई साहब टीएमसी 155 सीट लेके आ रही है, 15% वोटर जो है वो बात करने को तैयार नहीं है कैमरा पे, फिर बीजेपी को 38% वोट भी आप दे रहे हैं, तो ये लॉजिक समझ के बाहर है। यानी आप नोएडा के दफ्तर में बैठ करके कि चूंकि
ओपिनियन पोल के नाम पे टीआरपी मिल जाता है, उस स्टेट के लोग देखने को मजबूर हो जाते हैं कि हमारा वोट हमारे पार्टी को जिताएगा या नहीं, तो आप एक झूठा मनगढ़ंत किस्सा बनाते हैं और उस किस्से का नाम जो है ओपिनियन पोल है। आप जाते ही नहीं, क्योंकि अगर आप बंगाल जाते तो आप वो चीजें देखते जो मैंने जमीन पे देखी या अजीत भारती ने जमीन पे देखी। और हमने जमीन पे क्या देखा? भयंकर बेरोजगारी, भुखमरी और मूलभूत सुविधाओं की कमी, स्कूल हॉस्पिटल तक नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले वो बताया था कि जिस सिंगूर इलाके में टाटा नैनो की फैक्ट्री लग रही थी, अब ममता बनर्जी कह रही है कि हम एक केमिकल फैक्ट्री लगाएंगे, मगर टाटा नैनो की फैक्ट्री उखाड़ करके सत्ता के गलियारे तक पहुंची ममता बनर्जी को सुध नहीं रहा कि पिछले 10 साल में उन सिंगूर के इलाकों की हालत क्या है। मैंने आपको बताया था अपने विश्लेषण के में कि मैं चाय वाले से जब मिला तो उसने रोते हुए कहा कि जब यहां पे टाटा नैनो की फैक्ट्री लगती थी तो मैं दिन के 2500 रुपए का चाय बेच देता था, आज दिन के 150 रुपए का मैं चाय नहीं बेच पाता हूं, क्योंकि यहां के लोगों को अगर बंगाल सरकार 2000 रुपए का भत्ता नहीं देंगे तो भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, क्योंकि यहां पर न तो खेती है न रोजगार है। यानी अपना पेट पालने के लिए उनके पास सिर्फ एक उपाय है, 2000 रुपए लो। और इस प्रकार की जब चीजें सामने आती है तो भारत की जीडीपी के बारे में बातें जो होती है वो बेमानी लगती है, लगता है कि ये झूठ है। क्योंकि आप जीडीपी के बारे में जब बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि बंगाल के सिंगूर जैसे इलाके में जो जीडीपी का केंद्र बन सकता था, बहुत बड़ा योगदान दे सकता था भारत में, उस इलाके की तबाही और बर्बादी के किस्से को देखिए। मगर आप नोएडा के दफ्तर में, और नोएडा के दफ्तर में एसी कमरे की जो ठंडक है वो बंगाल की तपिश आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बंगाल की तपिश में आपको झुलसना होगा। बंगाल चुनाव को समझने के लिए, जमीनी हकीकत को जानने के लिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, आपको उस गरीब उस निचले तबके तक पहुंचना होगा जो इस सिस्टम की नाकामी का, निर्दयता का शिकार बन चुका है। दोस्तों, आप इन झूठे ओपिनियन पोल मेकर की बातों में ना आए, क्योंकि मैंने जो जमीनी हकीकत और अंडर करंट महसूस किया है वो करंट झुलसा सकता है टीएमसी को, यही टीएमसी के कार्यकर्ता भी झुलस जाएंगे, और अगर उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत नाम की कोई चीज हो तो देख करके रो पड़ेंगे फफक फफक के। उनके आंसुओं से हो सकता है कि बंगाल में सैलाब आ जाए और टीएमसी उस सैलाब में डूब जाए, मगर जनाब इसके बारे में कौन बात करे, क्योंकि यहां तो मोदी सरकार का भी विरोध करना है, हिंदू मुस्लिम एजेंडे पे विरोध करना है। विकास की बातों को छोड़िए, एक सरकार जो कोविड के वैक्सीन को हर एक सरकारी हॉस्पिटल में फ्री देने की बात करती है, और उसे जब ये पता चले कि बंगाल में ऐसे इलाके हैं जहां कई किलोमीटर दूर तक एक सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आपका सवाल बंगाल सरकार से होना चाहिए या केंद्र सरकार से होना चाहिए, यह बात सोचने की बात है। मैंने अंडर करंट को महसूस किया है, उस तपिश को महसूस किया है। मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल की तपिश है जो मैंने महसूस की है, अगर बंगाल में सही ढंग से चुनाव हो गया, ईमानदारी से चुनाव हो गया, जैसा चुनाव 2005 में बिहार में केजे राव ने कराया था वैसा चुनाव हो गया, तो ममता बनर्जी की सरकार 80 सीट पे नहीं पहुंचेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 180 सीट से नीचे, भारतीय जनता पार्टी कम नहीं जीतेगी 180 सीट से नीचे, एक दो सीट ऊपर हो सकता है, एक दो सीट नीचे हो सकता है, मगर ऑन एन एवरेज 180 सीट वो जीत जाएगी। ये ईमानदार विश्लेषण मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैंने वो अंडर करंट देखा, ऑफ कैमरा लोगों से बात की है, जो मुंह पे बात करने को तैयार नहीं करते होते, गली के पीछे जब हमें इशारे से बुलाते हैं चाय और बीड़ी की दुकानों पे, तो वहां वो बताते हैं कि नहीं दादा बीजेपी आएगा, बीजेपी आ जाएगा। फिर उनसे पूछने पे वो बताते हैं दादा वहां पे वो टीएमसी का कैडर लोग था, उधर अगर बोलता कि टीएमसी हार जाएगा तो वो मुझे मार देता। ये हालात है, और ये हालात क्यों है,
इसको समझने के लिए स्क्रीनशॉट देखिए। कल जिस प्रकार से मैं ये वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस नामक एक चीज है यूट्यूब में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कैडर को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, पीटा गया है, आप किस प्रकार से सोच सकते हैं कि बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ईवीएम की बात ममता बनर्जी करती है, देखिए इस देश के नेता कितने धूर्त हैं, और उससे भी धूर्त ये मीडिया वाले हैं जो ममता बनर्जी से सवाल पूछने से डरते हैं। ये ममता बनर्जी दो बार से चीफ मिनिस्टर इसी ईवीएम पे है, इसी ईवीएम पे है, और ईवीएम मैं गारंटी देता हूं जिसने भी चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया है या जो ईवीएम के साथ जिसने कभी चुनाव कराया है, जो जानता है, चाहे वो टीएमसी का कैडर हो, बीजेपी का कैडर हो, वो जानता है कि ईवीएम को हैक करना असंभव है, मगर फिर भी इस देश में नैरेटिव बनाया जाता है कि ईवीएम हैक हो जाएगा, और इस देश के जाहिल गंवार वोटर, यहां तक कि मुसलमानों में तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कहती है मोदी सरकार ईवीएम हैकिंग के भरोसे जीत रही है। यह डेमोक्रेसी का स्तर हो गया है और यह पत्रकारों का स्तर हो गया है, और यह पत्रकार ही है जिन्होंने यह झूठा नैरेटिव गढ़ा है जो कहते हैं कि ईवीएम इज हैकेबल, बिना वायर किए, बिना वायर लगाए, बिना कोई पार्ट्स बदले असंभव है, और अगर पार्ट्स ही आप बदल देंगे, ईवीएम ही पूरा बदल देंगे, तो उसके साथ इनको पता नहीं है जाहिलों को कि जो ईवीएम शुरू में उपयोग होती है वो सभी पार्टियों के सामने होती है, उसमें पहले फेक वोटिंग कराई जाती है, उसका रिजल्ट टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को दिखाया जाता है, उसके सामने एक उसी ईवीएम पे एक स्ट्रिप लगाया जाता है, उस पर एक खास नंबर और डिजिट होता है, वो नंबर और डिजिट टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट सभी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, फिर वोटिंग के दिन उस ईवीएम को उसी नंबर के साथ मैच किया जाता है और खोला जाता है, सुनिएगा, खोला जाता है, और उसके बाद उसमें फिर से फेक वोटिंग होती है वोटिंग कराने से पहले, उसके बाद रियल वोटिंग के बाद नंबर बदला जाता है, वो नंबर के साथ जो सील होता है ईवीएम, उस ईवीएम को फिर से वो नंबर सभी पार्टी के कैडर कार्यकर्ताओं को दिया जाता है ताकि मिसमैच ना हो, और फिर उनके सामने वही नंबर वाला काउंटिंग के दिन ईवीएम खोला जाता है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम बदल दिया गया, साथ में वो नंबर बदला जाएगा ना, वो नंबर सोचिए लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, सभी कार्यकर्ताओं के पास हो। दूसरी बात, अगर ईवीएम बदला जाएगा तो सील खुल जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। यानी आप यह कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग, सरकारी अफसर और ये तमाम कैडर जो लेफ्ट के हैं, विपक्ष के हैं, सब भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के ईवीएम हैकिंग का खेल खेल रहे हैं, तब तो भाई इस देश में चुनाव कराने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर लेफ्ट और कांग्रेस और सपा, बसपा, जदयू, मान लीजिए कोई भी पार्टी हो, सबके पार्टी के जो निचले स्तर के कैडर है वो बीजेपी के हाथों बिक गए हैं, तब तो आप बैलेट पेपर से भी नहीं जीत पाएंगे, बैलेट पेपर जिसे लूट लिया है। ये झूठा षड्यंत्र नरेट किया गया, रचा गया, और अब इस देश के आम जनमानस को लगता है कि ईवीएम इज हैकेबल। दोस्तों, ये ओपिनियन पोल को आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो हमने महसूस किया है, जमीनी हकीकत देखी, अंडर करेंट देखा है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, चाहे इन्हें अच्छा, इस ओपिनियन पोल का एक और कारण हो सकता है ताकि भारतीय जनता पार्टी के कैडर का मनोबल तोड़ दिया जाए, वोटर का मनोबल तोड़ दिया जाए। यह संभव इसलिए लगता है क्योंकि यह षड्यंत्र उन्होंने बिहार के एग्जिट पोल और बिहार में भी करना शुरू किया था, मगर आप उस एग्जिट पोल को ध्यान से देखिए और रिजल्ट को ध्यान से देखिए और मेरे एग्जिट पोल को ध्यान से देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि आप किस षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। जय श्री राम।